नमस्कार, मु डॉक्टर सुस्मिता साहू, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट SS हॉस्पिटल तालचेर। आज आपन को गोटे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कॉमन टॉपिक सीजेरियन सेक्शन सी सेक्शन विषय डिस्कस करी। वीडियो रो शेष जाके देखंतु, भलो लागिले लाइक एंड शेयर करंतु, सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन प्रेस करी फर्दर नोटिफिकेशन पाँतु। व्हाट इज सीजेरियन सेक्शन? इट इज एन ऑपरेटिव प्रोसीडियर वेयर बाय द फिटिस आफ्टर द एंड ऑफ 28th वीक आर डेलीवर्ड थ्रू एन इंसिजन ऑन द एब्डोमेन एंड यूट्राइन वॉल। ता माने एटा गोटे ऑपरेटिव प्रोसीडियर जो थे पेट उपर गोटे इंसिजन दे आउ यूट्रस एंट्री वॉल उपर इंसिजन दे आमे बेबी को डेलीवर करी थाउ। देन व्हाट इज द इंसिडेंस, केते परसेंटेज ऑफ सीजेरियन हेबा कथा? द इंसिडेंस ऑफ सीजेरियन सेक्शन इज स्टेडिली राइजिंग ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स। देयर हैज बीन 2 to 3-fold राइज इन इंसिडेंस फ्रॉम द इनिशियल रेट ऑफ 10 to 15%। ता माने 10-15% ऑफ द नॉर्मल डेलीवरी ऑफ द डेलीवरीज तुम्हारा सीजेरियन हेबा कथा, किंतु एबे बहुत इंक्रीज चली सीजेरियन सेक्शन। कौन पे इंक्रीज हो? फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग सीजेरियन सेक्शन रेट आर प्रथम रु फर्स्ट ऑफ ऑल एबे भलरे चेकिंग होउची आउ एट रिस्क फिटेसिस बिफोर टर्म माने आइडेंटिफाई होउची। सेकेंड कॉज होउची आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क मदर्स। तापरे रिपीटेड सीजेरियन ऑफ पेशेंट भी चॉइस करछि, जार आगटा सीजेरियन होता है सी चॉइस करछि सीजेरियन होगापी। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एल्डरली प्राइमी, ता माने आजिकाली यूजुअली लेडीज माने लेट मैरिज करछंती 30+ हेले, जहाँ कि यूट्राइन इनर्शिया करिथाय आउ सीजेरियन रेट भी बढ़िथाय। आउ आगुरु जेंती ऑपरेटिव डिफिकल्ट ऑपरेटिव और मैनुपुलेटिव वेजाइनल जेंती फोर्सेप्स कि वेंटुस लगे कि ना काढ़ती सेंतिया आजिकल डिक्लाइन हलाणी। आउ सेफ डेलीवरी पाई बहुत बहुत जन प्रिफर कर आगुरु वेजा ब्रिच डेलीवरी पाई मध्य बहुत जन करुथिले, एबे वेजाइनल ब्रिच डेलीवरी भी मना करा होची। नेक्स्ट कॉज होची डायग्नोसिस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, जदि हार्ट बीट कमिला आउ फियर ऑफ लिटिगेशन बाय पेशेंट अटेंडेंट सतिपाई मध्य सीजेरियन सेक्शन मध्य बढ़ुची। आउ एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, एबे गोटे कपल गोटे किंबा दीटा पिला करचंती सतिपाई से माने सेफली डेलीवरीटा सेफ डेलीवरी हेबा पाई इच्छा करचंदी। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशन, को को कारण पाए? गोटे हूँ एब्सोल्यूट कारण आ गोटे हूँ रिलेटिव कारण। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस आ जब वेजाइनल डेलीवरी पॉसिबल ही नहीं, माने सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया फुलटा तले थिवो, जदि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस थिवो माने छोटो बाटो थिवो, जदि पैसेजटा छोटो थिवो, जदि पेल्विक मास गर्भाशय मुहरे किछि जदि मास अछि किंबा ट्यूमर अछि किंबा एडवांस्ड कार्सिनोमा सर्विक्स किंबा एनी एक्टिव हर्पिस इन्फेक्शन थिवो जदि किंबा वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनी कॉज। रिलेटिव इंडिकेशन होची जदि ड्यूरिंग डेलीवरी समय रे पिलारो हार्ट बीट कमिला तबे मध्य करंती प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन CPD ड्यूरिंग डेलीवरी जदि प्रोग्रेस हलानी आउ केफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हला किंबा डिस्टोसिया हला 3P जेंती आगरु गोटे कहिथिली पैसेंजर स्मॉल पेल्विस आउ पावर मध्य नथाय जेबे किंबा APH हला माने ब्लीडिंग हला ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया फुलो सेपरेट हो गला किंबा फुलो तले रहिला जदि किंबा माल प्रेजेंटेशन ब्रिज शोल्डर ब्राउ ए सब कंडीशन रे भी हुए किंबा जार बैड ऑब्स्टेट्रिक जार गोटे दुटा पिला नष्ट जाइथियो से माने भी कहबे मोर ऑपरेशन करकि ना पिला काढ दियंतु किंबा हाइपरटेंशन हे कि ना मध्य हुए माने बहुत जन प्रिफर करंती।
टाइम ऑफ ऑपरेशन इलेक्टिव इलेक्टिव कर परंती इमरजेंसी कर परंती इलेक्टिव करा हुए जब जने कंप्लीटेड 37 वीक्स ही जाए थे पिलार वेट ठीक थाए तेब प्री अरेंज्ड टाइम रे पिला को बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक बेस्ट एनेस्थेसिया न्यूनेटल रिससिटेशन बेस्ट थाए कि ना काढ़ी दिया जाए आउ टाइम करा हुए जब पिलाटा मैच्योरिटी पाई जाए थे इमरजेंसी करा हुए जब हठात कि ना ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर फिटल डिस्ट्रेस है कि मैटरनल डिस्ट्रेस है कि एनी अदर कॉज थी जदि इमरजेन्सी सीजेरियन कि मार हठात किना ब्लीडिंग है ये सब कारण पर सीजेरियन करा हुए एबे मु भाबुची आपण सीजेरियन सेक्शन प्रोसीडियर आउ ऑपरेशन भल भाव देखिले आउ बुझी पारिले आमर समस्त उद्देश्य डाक्तर आउ कंबाइंड विद पेशेंट कर उद्देश्य रहिया कथा सुरक्षित माँ आ सुरक्षित पिला केमिति गोटे प्रेगनेंसी आउटकम सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम हेबा कथा प्रीवियसली मैटरनल मोर्टालिटी आउ पेरिनाटल मोर्टालिटी मध्य बहुत अधिका थिला एबे आस्ते आस्ते कमुची सेही कारण पाई काहेकि आमे समस्ते एबे सचेतन हेलेनी एवं एंटीनेटल चेकअप मध्य भल भाव करुचंती रिस्क फैक्टर मध्य मदर आउ बेबी रो आइडेंटिफाई होउची आउ अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट करा होउची सेति पई माने सीजेरियन हेबा कि नॉर्मल हेबा आमर उद्देश्य रहिया कथा केंती गोटे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम हेबा कथा थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस हियरिंग थैंक यू।